वेलकम यूट्यूब, आई एम निकेतन, यू आर वाचिंग वेट स्टडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेटनरी पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेटनरी फार्माकोलॉजी डिस्कस करा था, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम जो मेरे एक्सटर्नल पेपर्स आए थे मैं उन्हें डिस्कस करूंगा, एंड देन आई विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, राइट। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट पेपर था उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले वो क्या थे कि डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ट्रेमेटोड विद सुटेबल एग्जाम्पल डायग्राम, सॉरी। सो यहाँ पर जो ये डायग्राम, ये क्वेश्चन है, ये आपका दे रखा है बुक के अंदर, जिसके अंदर आपको ट्रेमेटोड की डिफरेंट स्टेजेस बतानी होंगी और उनके डायग्राम बताने होंगे, रेडिया, सर्केरिया, मेरासीडियम, ठीक है, इन सभी के डायग्राम भी आपको यहाँ पर बनाने होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा भी ये 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन इसमें अदर जो क्वेश्चन था वो था पोल्ट्री सिस्टोड अलोन देयर इंटरमीडिएट होस्ट एंड पैथोजेनेसिस क्लिनिकल साइन ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। तो पोल्ट्री सिस्टोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरनल्स में भी ये क्वेश्चन हमें कई बार देखने के लिए मिला है। तो ये क्वेश्चन आप मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आपके पेपर के अंदर आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट वी हैव द डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरासाइट इन्वॉल्व अलोन साइड द लाइफ साइकिल पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फेशियो लॉसेस इन गोट, ठीक है। तो फेशियल लॉसेस आया था गोट के अंदर, जिसमें कि उसमें उसका डायग्राम भी पूछा गया था और मॉर्फोलॉजी भी पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रूल फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ पैरासाइट, जो कि हमारा जनरल पैरासाइटोलॉजी के अंदर ही आता है। देन वी हैव एनलिस्ट द कॉमन स्पीसीज ऑफ एम्फीस्ट्रोम्स। एम्फीस्ट्रोम्स भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि रोमिनेंट को अफेक्ट करता है और उनका इंटरमीडिएट होस्ट। उसके बाद पैथोजेनेसिस क्लिनिकल साइन ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है, और इमेच्योर एम्फीस्ट्रोमोसिस इन गोट भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दी वेरियस हार्म डन बाय द पैरासाइट इन देयर होस्ट। ये हमारा इंटरनल में भी क्वेश्चन आया था और ये हमारा एक्सटर्नल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार हमारे पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमारे नए आए थे। तो ये जैसे कि हार्म डन बाय पैरासाइट, ये हमारा पहले भी पूछा गया क्वेश्चन, और पोल्ट्री सिस्टोड, ये दोनों ही हमारे इंटरनल में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एनलिस्ट द कॉमन स्पीसीज ऑफ एम्फीस्ट्रोम्स इन्फेक्टिंग, सॉरी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है इसमें पैरासाइट इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस क्लिनिकल साइन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हुक वॉर्म इन्फेक्शन इन कैनाइंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द पैथोजेनेसिस ऑफ टॉक्सोकैरियोसिस इन कैनाइन। तो टॉक्सोकैरा बहुत एक इंपॉर्टेंट मतलब पैरासाइट हो जाता है, और इसमें एस्कैरिस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फिर डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरासाइट इन्वॉल्व इन द हिमोंकोसिस। हिमोंकोसिस भी एक इंपॉर्टेंट पैरासाइट है। ये सभी मैं जो पैरासाइट बता रहा हूँ ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एनलिस्ट द वेरियस लंग वॉर्म अफेक्टिंग द डोमेस्टिक एनिमल अलोन साइड द सुटेबल होस्ट एंड द कंडीशन हस्क और हूज, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है लंग वॉर्म डिक्टोकॉलस विविपेरस उसके बारे में, और डिफरेंट उसके सुटेबल होस्ट क्या होते हैं, ठीक है। एंड देन द लाइफ साइकिल पैथोजेनेसिस क्लिनिकल साइन ट्रीटमेंट ऑफ नेजल सिस्टोसोमियासिस। नेजल सिस्टोसोमियासिस हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो पैथोजेनेसिस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट मतलब होता है, कई बार पूछा गया है पैथोजेनेसिस ना। फिर है डिफाइन एंटीहेलमिंथिक रेजिस्टेंस एंड डिफरेंट मेथड यूज फॉर इट्स डिटेक्शन। हाउ कैन यू कंट्रोल द एंटीहेलमिंथिक रेजिस्टेंस इन द डेयरी फार्म। नेक्स्ट वी हैव अ शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट हमारा वीएलएम पर आया था, ठीक है, और स्विमर्स एच पर आया था, सेल्फ क्योर फिनोमेना आया था, पेरिपार्चुरेंट एग राइज फिनोमेना आया था, टाइप ऑफ इसोफेगस इसोफेगस नेमेटोड, टाइप ऑफ इसोफेगस नेमेटोड, ठीक है, एंड स्नोपैड आया था। तो इसमें से मैंने फर्स्ट फोर करे थे। नेक्स्ट वी हैव द पेपर टू। इन पेपर टू वी हैव दी हार्म डन बाय द टिक एंड देयर होस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मियासिस एंड इट्स टाइप पूछे गए थे, पैथोजेनेसिस एंड कंट्रोल ऑफ स्क्रू वॉर्म मियासिस। स्क्रू वॉर्म मियासिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमसे पूछा गया था मॉर्फोलॉजी पैरासाइट इन्वॉल्व इन द कैनाइन डेमोडिकोसिस। देखिए कैनाइन डेमोडिकोसिस एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कैनाइन्स की डिसीज है, पैरासिटिक डिसीज है, तो इसे अच्छे से आप याद करके जाइएगा, खास करके इसमें जो सिगार शेप इसकी होती है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्राइब इन डिटेल लाइफ साइकिल पैथोजेनेसिस ऑफ ऑक्स वार्बल, ये पूछा गया था। फिर ट्रिपैनोसोमियासिस बफेलो के अंदर आया था, और इसके अलावा बोवाइन ट्राइकोमोनेड अबॉर्शन आया था।
इसके अलावा एंडलेस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ आइमेरिया इन्फेक्टिंग द पोल्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइमेरिया का। आइमेरिया का मतलब जितनी भी स्पीसीज हैं जो पोल्ट्री को इन्फेक्ट करती हैं, ये आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, ये जरूर क्वेश्चन आने के मतलब चांसेस हैं। इसके अलावा सीकल कोक्सीडियोसिस को डिटेल में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट मतलब यही कॉमन है। इसके अलावा पैथोजेनेसिस ट्रीटमेंट बोवाइन ट्रॉपिकल फिलेरियोसिस, फिलेरिया आया था। एंड इसके अलावा हार्ट टेक एंड सॉफ्ट टेक में डिफरेंस, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट टेक एंड सॉफ्ट टेक में डिफरेंस क्या होता है। एंड इसके अलावा हमारा यहाँ पर पूछा गया था कि टिक कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव एनलिस्ट वेरियस स्पीसीज ऑफ पैरासाइट इन्वॉल्व अलोन साइड डिस्क्राइबिंग द पैथोजेनेसिस क्लिनिकल साइन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस। तो इक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस कई बार मतलब ये चीज, ये क्वेश्चन मैंने कई पेपर के अंदर देखा है, ये भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव द बोवाइन बबेशियोसिस, डोरिन इन हॉर्सेस, एंड देन वी हैव द शॉर्ट नोट। इन शॉर्ट नोट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द एनोफिली एंड क्यूलेसा इन मॉस्किटो। तो ये भी हमारे मतलब सर ने इंपॉर्टेंट बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आया। नेक्स्ट वी हैव द लाइफ साइकिल ऑफ द नेजल शीप बोट, डीप प्लूमिंग इच इन द पोल्ट्री एंड पैथोजेनेसिस ऑफ विसरल लेशमेनियोसिस, विंटर कोक्सीडियोसिस एंड एंटीरियर रिस्ट्रेशन ट्रिपैनोसोम्स। तो दिस इज द यू कैन से द पेपर ऑफ आर बैच। सो आप इसमें से क्या कर सकते हैं कि जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि वे रिपीटेडली आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप याद कर सकते हैं अच्छे से, और बाकी क्वेश्चंस को आप सुपरफिशियली तैयार कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो सिलेबस में हमारा जो थ्योरी में सबसे पहले आता है वो है जनरल वेटनरी पैरासाइटोलॉजी यूनिट 1। सो जनरल वेटनरी पैरासाइटोलॉजी के अंदर हमारा सबसे पहले क्या है, पैरासाइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क, इंपॉर्टेंट ऑफ पैरासाइटोलॉजी इन वेटनरी करिकुलम, इनसे कुछ भी मतलब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं तीनों टॉपिक से। नेक्स्ट वी हैव द टाइप ऑफ पैरासाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब टॉपिक है, और इससे हमारे 1-1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैक्सिमम आपके 1-1 मार्क के क्वेश्चंस जो अगर कहीं से बनेंगे तो वो यहाँ से बनेंगे। तो इसमें क्या क्या है, एक्टो पूछ लेंगे, एंडो पूछ लेंगे, हाइपर ऑब्लिगेटरी फैकल्टेटिव, स्टेनोक्सेनस, यूरेक्सेनस, मोनोक्सेनस, अट्रोक्सेनस, सिस्टो जोइक, सीलो जोइक, टेम्पररी, परमानेंट, स्यूडो एबेरेंट, इंसिडेंटल, अपॉर्चुनिस्टिक, जूनोटिक एंड प्रोटिलीन। तो इन सभी के ना, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इन सभी के ना जो मतलब एग्जाम्पल्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ होस्ट एंड वेक्टर, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1-1 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें हमारा डेफिनेटिव, इंटरमीडिएट, रिजर्वॉयर, पैराटेनिक, नेचुरल, अननेचुरल, क्योंकि ये जानना इसलिए भी जरूरी है, जब तक आपको जनरल क्लियर नहीं होगी आपको आगे जाकर मतलब चीजें क्लियर नहीं होंगी। जैसे कि सपोज दैट कि किसी पैरासाइट का पैराटेनिक होस्ट ये है, तो आपको जब तक पैराटेनिक होस्ट का मतलब नहीं पता रहेगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज पैराटेनिक होस्ट। तो ये आपको मतलब याद कर लेना। नेक्स्ट वी हैव द टाइप ऑफ एनिमल एसोसिएशन। सो इट इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, बस आपको यू शुड नो द ओवरव्यू कि मतलब एक्चुअल में ये है क्या। वैसे ये सब आप पढ़ के आ चुके होते हैं तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मतलब इससे अभी तक कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट एंड मेथड ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द पैरासाइट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने कभी नहीं देखा है, तो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द ICZN, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है ICZN की, और रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल पैरासिटिक डिसीज। नोपैड पूछा जा सकता है कि भाई ये हमारे पेपर में भी आया कि भाई कैसे नॉमेनक्लेचर कराया जाता है पैरासाइट का, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन, इसमें ये भी मैंने कहीं देखा नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में, बट हाँ इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मतलब कि शॉर्ट नोट में, ठीक है। उसमें शॉर्ट नोट के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्री इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, स्टेराइल इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी है, और कॉनकॉमिनेंट, कॉनकॉमिनेंट इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इम्यून इवेजन, जनरल हार्मफुल, हाँ ये जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैरासाइट इंक्लूडिंग वेरियस टिश्यू रिएक्शन कॉज्ड बाय द पैरासाइट। ये क्वेश्चन हमारे इंटरनल में भी आया है और ये हमारे एक्सटर्नल में भी आया है, 6 मार्क्स में एक्सटर्नल में आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यही क्वेश्चन है जो लॉन्ग में बनता है जनरल से, ठीक है। फिर आता है जनरल कंट्रोल मेजर अगेंस्ट द पैरासाइट, कंट्रोल मेजर्स भी हमारे एक तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आप ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर
बस तो मतलब दो क्वेश्चन मिलके बने हमारे जनरल से, जो कि आपके लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है। अब हमारी इसमें यूनिट 2 आती है, जो कि है ट्रेमेटोड एंड सेस्टोड्स। सो ट्रेमेटोड्स में हमारा जो इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं वो क्या है कि इंट्रोडक्शन, जनरल अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन, ये तो आप देख ही लीजिएगा। जो जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेमेटोड विद मॉर्फोलॉजिकल फीचर एंड द डेवलपमेंटल स्टेज, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि हमारे एक्सटर्नल्स में आया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव द इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर लाइफ साइकिल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये एक जनरल दे रखा है, ठीक है। तो फिर पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड जनरल कंट्रोल मेजर्स, ये जिसमें कि हमारा कीमो एंड इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस भी आता है ट्रेमेटोड का। अब देखिए इसमें जो पैरासाइट आपके इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के मतलब पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिवर फ्लूक। तो लिवर फ्लूक में आपका जो है फेशियोला, फेशियोला आपका एक तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फेशियोला आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डाइक्रोसीलियम ऑफिस टॉर्चेस नहीं पूछे जाते हैं इतना, ठीक है। इंटेस्टाइनल फ्लूक में फेशियोलॉप्सिस है नहीं पूछा जाता है। नेजल सिस्टोसोमियासिस आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा विसरल सिस्टोसोमियासिस नहीं पूछा जाता है। तो अभी तक मैंने क्या बताया लॉन्ग में, फेशियोला और नेजल सिस्टोसोमियासिस। फिर सर्केरियल डर्मेटाइटिस शॉर्ट में पूछा जा सकता है, सर्केरियल डर्मेटाइटिस, ठीक है। फिर आता है पैरा एम्फिस्टोमिस। पैरा एम्फिस्टोम्स में हमारा ये जितने भी नाम है, पैरा एम्फिस्टोमम, कोटाइलोफोरॉन, कैल्सिफोरॉन, जेजेंटोकोटाइल, गैस्ट्रोथायलेक्स, फिस्टोरिडस, ये सभी आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और फिर आता है हमारा पैरागोनिमस। पैरागोनिमस हमारे इंटरनल में पूछा गया था, ठीक है। इंटरनल हम सोच के गए थे कि हमें शायद फेशियोला पूछा जाएगा या कोई और सा पैरासाइट पूछा गया था, आया पैरागोनिमस, ठीक है। तो पैरागोनिमस हमारे इंटरनल में पूछा गया था, तो पैरागोनिमस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा प्रोस्टोगोनिमस है एंड इकानोस्टोम्स हैं, तो ये लॉन्ग में नहीं पूछे जाते। तो इससे लॉन्ग में मैंने कितने बताए आपको, फेशियोला बताया और नेजल सिस्टोसोमियासिस बताया, पैरागोनिमस बताया, और लॉन्ग में एक कंप्लीट एम्फिस्टोम्स कंप्लीट लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। तो ये चार आपके क्वेश्चन हो गए जिन जो लॉन्ग में आ सकते हैं। शॉर्ट में हमारा सर्केरियल डर्मेटाइटिस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें चीजें बता दी। अब आता है हमारा सिस्टोड्स। सिस्टोड्स में हमारा क्या है कि इंट्रोडक्शन, जनरल अकाउंट, जनरल लाइफ साइकिल, ये तो सब है ही, ठीक है। बट इसमें जैसे इक्वाइन टेप वॉर्म, सबसे पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे इक्वाइन टेप वॉर्म में हमारा एनोप्लोसिफेला पायरेनोप्लोसिफेला होता है, ठीक है। रुमिनेंट टेप वॉर्म में मोनिजिया, एवेटलेना, स्टेलेशिया, थाइलेसिया। डॉग टेप वॉर्म में डाइपाइलिडियम टीनिया एंड इकाइनोकोकस, इन सभी के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। और मतलब इनकी एक जनरल लाइफ साइकिल भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जनरल लाइफ साइकिल पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें सिस्टोड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर है, वो है पोल्ट्री टेप वॉर्म के। तो पोल्ट्री टेप वॉर्म में ये जो नंबर है ना, डिवेनिया, कोटिजिन, रिलेटिना, अमीबोटिनिया, कोएनोटिनिया, हाइमेनोलेप्सिस, ब्रॉड फिश टेपवर्म जिसे डायफेलोपोथ्रिडियम भी बोलते हैं, और स्पायरोमेट्रा, ये सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और कई बार ये पूछा गया है। पोल्ट्री टेपवर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टोड से एक जो क्वेश्चन आता है वो है इसका जो मेटासिस्टोड्स होते हैं ना, मेटासिस्टोड्स की स्टेजेस, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंट मेटासिस्टोड की स्टेजेस जो होती हैं, वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से हो गया आपका सिस्टोड भी। नेक्स्ट वी हैव द यूनिट 3rd, दैट इज नेमेटोड्स। सो नेमेटोड में हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन, जनरल अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन, जनरल लाइफ साइकिल, इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, ठीक है। तो शुरू होता है एस्कैरिस से। तो एस्कैरिस आपका एक इंपॉर्टेंट है, एस्कैरिस पैरासाइट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पार एस्कैरिस नहीं पूछा जाता। टॉक्सोकैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा इंटरनल में भी आया है टॉक्सोकैरा विटुलोरम, ठीक है, पूछा गया है। टॉक्सोकैरा कैनिस भी पूछा जा सकता है। टॉक्सोकैरा एक इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो टॉक्सोकैरा हो गया, एस्कैरिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा टॉक्स एस्कैरिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एस्कैरिडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के हिसाब से, हेटेरेकिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के हिसाब से, ऑक्सियोरिस भी लॉन्ग के हिसाब से नहीं है, स्ट्रोंगोलॉइड्स भी नहीं है, स्ट्रोंगाइलस इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हिसाब से। तो एस्कैरिस बता दिया, टॉक्सोकैरा बता दिया, स्ट्रोंगाइलस बता दिया, ठीक है। इसके अलावा चैबर्टिया लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिनगैमस नहीं है, लीसोफेगोस्टोमम नहीं है, किडनी वॉर्म भी पूछा गया है लॉन्ग में, पूछा गया है हमारा, ठीक है, इसमें ये पूछा गया था, ठीक है। आई थिंक ये किडनी वॉर्म डिक्टोकोइलस डिक्टोफाइमा पूछा गया था हमारा पेपर में ना, ठीक है। तो और हुक वॉर्म में एनसाइक्लोस्टोमा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हिसाब से। फिर ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस इतना नहीं है, ऑस्टिटेजिया नहीं है, कोपेरिया नहीं है, निमेटोडियरस नहीं है, हिमोंकस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग के हिसाब से पूछा जा सकता है। मिसिस्टोसर्कस नहीं है, हेब्रोनिमा नहीं है, ड्रेस्चिया ड्रेस्चिया एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ड्रेस्चिया, थेलेसिया,
ये लॉन्ग में तो नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ मतलब इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। स्पायरोसरका, गोंगालोनेमा, फाइसलोप्टेरा, गिनाटोस्टोमा, डायरोफिलेरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा डायरोफिलेरिया को। पाराफिलेरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओंकोसरका नहीं है, सिटेरिया नहीं है, स्टेफेनोफिलेरिया नहीं है। लंग वॉर्म एक इंपॉर्टेंट है, इसमें डिक्टोकोलस, मिलेरियस एंड प्रोटोस्ट्रोंगालस मेटास्ट्रोंगालस, ये पढ़ लीजिएगा कौन सी स्पीसीज को कौन सा अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर गिनी टेपवर्म लॉन्ग के हिसाब से नहीं है। ट्राइचिनेला, ट्राइचोरिस इंपॉर्टेंट है, ट्राइचिनेला देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो जो मैंने पैरासाइट्स आपको बताए हैं, ठीक है, ये जो है वो आपको लॉन्ग के लिए तैयार करने, कौन कौन से, एस्कैरिस बताया मैंने, टॉक्सोकैरा बताया मैंने, ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रोंगाइलस बताया मैंने, इसके अलावा किडनी वॉर्म बताया मैंने, इसके अलावा हुक वॉर्म बताया मैंने, और इसमें मैंने हिमोंकस बताया मैंने, और इसमें मैंने आपको बताया डायरोफिलेरिया बताया मैंने, और इसमें मैंने आपको बताया लंग वॉर्म बताया मैंने, और ट्राइचोरिस ट्राइचिनेला बताया। ये कुछ जो है मतलब 7-8 होंगे आई थिंक, ये पैरासाइट आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी सारे से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर एंट हेलमिंथिक रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा भी क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द यूनिट 4, दैट इज द आर्थ्रोपोड्स। सो आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन, जनरल अकाउंट, जनरल लाइफ साइकिल, ये तो मतलब आपको याद रखना ही है, और इसमें जो पूछे जाने वाली चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। इससे मोस्टली ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज्यादा बनते हैं आर्थ्रोपोड से ना, बट एक तो ये मॉस्किटोज में डिफरेंस, क्यूलेक्स, एनोफिलीज और रेडीज में, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर एक इनके कॉमन नेम जो मेनली इनसे बनता है ना, इसे ये ब्लैक फ्लाईज कौन सी हैं, साइमिलियम, ठीक है, सैंड फ्लाई कौन है, फ्लेबोटॉमस है, ठीक है, हॉर्स फ्लाई कौन है, टेबेनस, तो ये जो कॉमन नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये वार्बल फ्लाई के लाइफ साइकिल पूछी जाती है, ठीक है, पूछी गई है। नेजल बोट पूछा जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मियासिस पूछा जाता है, ये लॉन्ग की मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और बाकी लाइसिस में तो ये पूछा जाता है कि इनके कॉमन नेम क्या है। फ्लीज में हमारा ये टीनोसेफेलिडे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हाँ, सॉफ्ट टिक एंड हार्ड टिक में डिफरेंस पूछा जाता है, तो लॉन्ग में ये एक इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट टिक एंड हार्ड टिक में डिफरेंस क्या होता है, और सॉफ्ट टिक्स और हार्ड टिक्स के नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद माइट्स, माइट्स में हमारा डेमोडेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सार्कोप्टिस इंपॉर्टेंट है, और बाकी और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं बाकी से, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से हमारा इंट्रोडक्शन, जनरल अकाउंट, जनरल लाइफ साइकिल, डिफरेंस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड रिकेट्शिया, एपिडेमोलॉजी, डायग्नोसिस, इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो लॉन्ग क्वेश्चंस के बेसिस पर इंपॉर्टेंस है वो है हमारा ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, और ये क्यूटेनियस और विसरल लिश्मेनियोसिस में डिफरेंस पूछा जा सकता है शायद, ठीक है, मतलब ज्यादा चांसेस तो नहीं है बट हाँ पूछा जा सकता है। तो ट्रिपैनोसोमा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ट्राइकोमोनास, फिर आता है इसमें जो पूछा जा सकता है कोक्सीडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोक्सीडिया, ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है और खासकर पॉल्ट्री के केस में, ठीक है। फिर इसमें टॉक्सोप्लाज्मा भी पूछा गया है एक बार, एंड इसके बाद हमारा है इसमें पायरोप्लाज्म, ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें एक ई कैनिस होता है, अर्लिशिया कैनिस, ठीक है, वो भी पूछा जाता है डॉग्स के केस में। तो प्रोटोजोआ इज कंपैरेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन द आर्थ्रोपोड। वो जो सिस्टोड, नेमेटोड एंड ट्रेमेटोड्स, ठीक है, ये तीनों तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ आर्थ्रोपोड और प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थ्रोपोड से। आर्थ्रोपोड से मेनली हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा जो आपका पैरासाइटोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस करा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then hit the like button।